Two vectors both equal in magnitude and have their resultant in magnitude of the either. So find the angle between the vectors. तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है ए वेक्टर कॉल्ड एक्स बी वेक्टर बी एक्स और वेक्टर के वैल्यू सी एक्स सभी एक्स एक्सर है ना. तो हम लोग को फाइंड करना है थीटा. थीटा क्या होगा क्लियर. तो आर स्क्वायर को क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते थे पहले वाला क्वेश्चन था हम लोग कैसा था इसे और जानते तो cos theta और हमें कैसे साल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए. अच्छा ये वाला समझ में आ गया बेटा. आदित्य ये तो हो गया था तुम्हारा. थर्ड क्वेश्चन अभी एक बार सबका चेक करता. अच्छा बेटा इसमें टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 जो बता रहा था. तो उसमें एक का वैल्यू 3x ले लो, बी का वैल्यू 5x न्यूटन एंड आर इक्वल टू 35 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एडी कॉस इक्वल टू दैट इज आर स्क्वायर और कॉस 60 का वैल्यू जो हो जाता है तो cos 60 का वैल्यू जो जाता है तो 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 3 × 3x × 5x टू हाफ 35x² 9x² 25x² 15x² 35 × 35 कट जाएगा 49x² इक्वल टू 35 × 35 x² इक्वल टू 5² देन x इक्वल्स टू 5 ए का वैल्यू हो जाएंगे 50 न्यूटन और बी का वैल्यू आ जाएंगे 25 न्यूटन. तो सबको तो समझ में आ गया अच्छे से. अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 है टू फोर्सेस इक्वल्स टू पी एंड टू पी न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल. डायग्राम दिखा दे रहा है इसका फर्स्ट भी डबल फर्स्ट को डबल कर मतलब क्या है ना यहाँ पे कोई पार्टिकल था उस पार्टिकल को टू पी न्यूटन और इसको पी न्यूटन से खींचा जा रहा है. बाद में इसको डबल से खींच रहे हैं इसको 2b+10 न्यूटन से खींच रहे हैं इस तरीके से. दैट मीन्स ये दोनों एक ही जगह पे बॉडी है पहले पी से दे रहा था अभी 2b मैंने डबल कर दिया फोर्स इतना फोर्स और बढ़ा दिया यहाँ भी इतनी फोर्स थी इतनी फोर्स बढ़ा दिया रिजल्ट है किसी डायरेक्शन में ही जा रहा है ये बिगड़ बनाओ ये बनाओ फिर ये दोनों एक साथ ही बढ़ सकते एंगल बिगड़ जा रहा है. तो इफ द फर्स्ट इज बी डबल एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाई 20 न्यूटन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट इज अनऑल्टर्ड. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी पी का वैल्यू फाइंड कर. तो टेन बीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 2b प्लस पी साइन थीटा. टेन बीटा इक्वल टू 2b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2b प्लस 20 प्लस 2b साइन थीटा दोनों बराबर है. ये तो कॉस थीटा कैंसिल 1 2 हो गया और 2b पी साइन थीटा यहाँ से टेबल आ गया इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कट जाएंगे पी का वैल्यू आ जाएंगे 10 ठीक है.
हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकंड, इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है ना, तो बी जो है 30 है और ए जो है 40 है और थीटा 90 है आर जो है, तो मान लो कोई ऐसे नहीं कि अभी किसी को भी मान लो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला 30 है वाला 40 है, यहाँ पे जो डायरेक्शन देना है वो 30 के साथ मत देना, ई के साथ दे देना, ओके। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट ये तो 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, यहाँ पे सीधे सीधे एंगल आ जाएगा, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा, तो 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर 16 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टेन थीटा इसे फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है, टेन थीटा जैसे होता है ना ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा जो बोलते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ए साइन 90 डिग्री अपॉन बी प्लस ए कॉस 90 डिग्री, तो देखना ए बाई बी आ जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला वन हो जाएगा, ए बाई बी, तो सीधे लिख देंगे ए बाई बी, ए कितना था, दैट इज 40 अपॉन 30 दैट इज 4/3, मतलब 50 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी हाउ मच 50 मीटर पर सेकेंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा विद ईस्ट डायरेक्शन सच दैट टेन बीटा इक्वल्स टू 4/3, टेन बीटा किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है, ओके अंडरस्टूड। अब बेटे यहाँ पे और दो क्वेश्चन है जो होमवर्क में दे रहा हूँ, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद अ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, ओके। और ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले जो मतलब जेईई मेन से पहले एग्जाम का नाम होता था ए आई टी पी ली में ऑप्शन देके क्वेश्चन आया था, सेवेंथ वाला, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज 3p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का रूट। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कोई शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड दोनों में ही करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके।